नामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो वह यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। क्या है बाहुबली की असली कहानी? किससे जुड़ी है ये कहानी? कौन है स्कंद गुप्ता और पुरु गुप्ता? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। सुपरहिट फिल्म बाहुबली फिल्म की कहानी वास्तव में गुप्त वंश के पराक्रमी राजा स्कंद गुप्ता और उनके चचेरे भाई पुरु गुप्ता की है। इस कहानी को निर्देशक ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। शनिवार को फॉरेन हिस्टोरियंस के साथ इनर लोकेटेड स्कंद गुप्ता के विजय स्तंभ पर आए BHU के कला विभाग में इतिहासकार प्रोफेसर राकेश उपाध्याय ने ये बातें दैनिक जागरण से साझा की। राकेश उपाध्याय ने स्कंद गुप्त के जीवनी के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि स्कंद गुप्त की माता विमाता थी। कुमार गुप्ता के छोटे पुत्र स्कंद गुप्त का बड़ा भाई पुरु गुप्त थे। संभवतः पिता कुमार गुप्त की मौत के बाद राजगद्दी पर पुरु गुप्त का हक था, लेकिन स्कंद गुप्ता के पराक्रम व वीरता को देखते हुए उन्हें राजगद्दी मिल गई। ये बात पुरु गुप्त को बुरी लगी। संभवतः स्कंद गुप्त की मृत्यु के बाद पुरु गुप्त ने राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। खुदाई के दौरान इनर से मिले सोने के सिक्के पर कुमार गुप्त और पुरु गुप्त का तो नाम दर्ज है, लेकिन स्कंद गुप्त का नाम नहीं है। इससे ये पता चलता है कि पुरु गुप्त अपने भाई स्कंद गुप्त से ईर्ष्या रखता था। यही वजह है कि सिक्कों पर उनका नाम तक अंकित नहीं करवाया था। स्कंद गुप्त का पूरा जीवन संघर्षों में बीत गया था। उन्होंने हंस और पुष्पामित्रा की बर्बरता से देश को बचाया था। इसी कहानी को बाहुबली फिल्म में तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है। फिल्म में पाटलिपुत्र समेत स्कंद गुप्त से जुड़े अन्य जगहों की भी चर्चा की गई है। फिल्म में जिन्हें पिडारी बताया गया है वही हुण थे जिन्हें स्कंद गुप्त ने परास्त किया था। फिल्म में स्कंद गुप्त को अमरेंद्र बाहुबली वो पुरु गुप्त को भल्लाल देव के रूप में दिखाया गया है। ये थी बाहुबली की कहानी जो असली कहानी से इंस्पायर्ड थी। अब लोगों को इंतजार है बाहुबली 3 का, जिसकी कहानी पर अब काम चल रहा है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं ये कहानी जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।